हेलो एवरीवन, मेरा नाम सारा है। नमस्कार, मैं नमस्कार, आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। अब मीना जब भी इनकी वीडियो देखती है बोलते ये यहीं पे रहता क्या, यही की बना ले लिया, ये जाना था कौन जाए। हाँ, मतलब देख के ना उनको यही याद आता, मौसी भाई आपको पता है जो है ना मुंबई में घूम फिर रहे हैं, जिसको देख के हमारा दिल बहुत ज्यादा करता कि हम भी मुंबई जाएं, इंडिया जाएं, घूमे फिरे। ये कोई और है भाई। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं। आज मुंबई का वो फूड एक्सप्लोर करेंगे, वहां के लोगों को देखेंगे, पूरा मुंबई हमें दिखाने वाले हैं, उनकी नजरों से हम भी देख लेते हैं। फिर खाने उनको, हमें खाना पीना बड़ा पसंद है। टाइम टाइम ध्यान दिया। तो ऐसा करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब को लाइक कर देना। देखते हैं आज शादी वादी के लिए किसके लिए, ये क्या चीज है? भाई ने बताया चलते फिरते वाला है। पहली दफा खाने लगे भी तार गोला, ये क्या बड़ा पाव है भाई, ये क्या है? जंगल जलेबी खाते हैं भाई, रबड़ी लिए हमने। ये भाई चलान हो रहा है, इस चीज के ये देखे कहाँ से, कामों के बीच में से, ये देखे 80 के 2, इतने सस्ते फायरी चिकन रैप। अभी तक तो मिर्चे भी तो अब पूरा उसका पोस्टमार्टम हो गया, मैकडोनल्ड वर्सेस बर्गर किंग। मुंबई वाले कहाँ हैं? नहीं मिलेंगे यार, ये वाला मुझे भी चाहिए। बुलबुले जो बज रहे हैं, बुलबुले खाए? हाँ बुलबुले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने व्लॉग का आगाज करेंगे जी होटल से, और आज मैं दिखाता हूँ जिस होटल में मैं रुका हुआ था वहाँ पे कैसा हम ब्रेकफास्ट करते हैं, जो कि स्पेशल इंडियन ब्रेकफास्ट होता है। तो आज आपको थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का रिव्यू देते हैं, और इसके बाद हम बाहर जाके मुंबई की सैर करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज मिलती रहे। ब्राउन ब्रेड खाने लगे हैं, बड़ा मिसल पाव भैया, मिसल पाव बड़ा, ये ढोकला, ढोकला एंड बड़ा मेंडू वड़ा, मेंडू वड़ा इडली सांभर नेपाल, नेपाल से क्या बात, काठमांडू से भैया, ऑमलेट, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड सुबह खाने से क्या होगा, जो इतना दिन में खाते हैं उसका, वाह डोनट भी मिल रहे हैं, क्या बात है। इसके इतना कुछ है, कमाल हो गया। और मुझे खान लगा जी, दोस्तों यहाँ का मिक्स वेज ऑमलेट बहुत ही मजेदार था, और साथ में ये जो विंदू वड़ा है ये भी मैंने ट्राई किया, जो कि बहुत ही अच्छा था। ये ढोकला है जी, जो मैंने शायद पहले कभी नहीं खाया, और ये मैं ट्राई करके देखता हूँ कैसा लग रहा है। ढोकला यार काफी मजे का था, और जब इसको फ्रेश कोकोनट चटनी से लगा के खाया तो वाकई भी मजा दुबाला हो गया। तो ब्रेकफास्ट के लिए ये बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी डिफरेंट सी थी मेरे लिए, मैंने पहले कभी शायद ट्राई नहीं की। होता ये भाई टैक्सी वाले भाई क्यों नहीं जा रहे, क्या वजह है, क्या वजह है, कितना गर्मी बड़ी, कितनी दूर है तो पैसे पैसे ज्यादा ले लो, ये मुंबई इंडियन की बस जा रही है भाई, पैसे ज्यादा ले लें, अभी नहीं जा पाऊंगा,
देख रहे हो तो आग लग रहा है गाड़ी में। अभी नहीं जाएंगे, 200 रुपए अभी लगाया हूँ। कितने रुपए लेंगे तो जाएंगे? अरे भाई ले। तो मैं टैक्सी ड्राइवर से पूछ चुका था और वो मुझे नहीं समझ आई क्यों नहीं मुझे उस तरफ लेके जाना चाह रहे थे जहाँ शायद मार्केट थी। मैंने पैसे भी ऑफर किए लेकिन नहीं लेके जाना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना पैदल चला जाए, अच्छा मौसम था और मुंबई की रोड्स को जरा पैदल भी विजिट किया जाए। तो रुके जाना पड़ा कट देगा। तो भाई पैदल चलने का डिसीजन बहुत ही अच्छा था क्योंकि मुंबई की पुरानी बिल्डिंग देखते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और हर बिल्डिंग जैसे एक डिफरेंट तरह की बनी हुई थी, डिफरेंट तरह का आर्ट उसमें यूज़ हुआ हुआ था और हमने ये मूवीज़ में बहुत देखी है इस तरह की मूवीज़। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई थी मैंने टैक्सी राइड नहीं ली वरना शायद मैं ये जो व्यूज़ है ये मिस कर देता। ये कितने की है? ये कितने की है? 180 का है। इसमें और भी कलर है? इसमें दिखाएं और कलर। हाँ ये अच्छा है, मेरे को भी है। तो ऐसी आप मेरे पीछे देख रहे हैं पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं ऊपर देखें छत कैसी है। तो ये बड़ी यार ये बड़ी फिट चीज़ है, यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स जो है ना पुरानी पुरानी सी बनी हुई है और बड़ी वेल मेंटेन है, ज़बरदस्त। तो क्रॉफर्ड मार्केट आने वाली है, ये म्यूजिक की दुकान है, ये देखें वाह ज़बरदस्त। रोहित शर्मा और थम्स अप ने स्पॉन्सर किया हुआ है, बिल्डिंग्स देख रहे हैं यार। यहाँ पे भी हम आए थे, इसका भी ब्लॉग आपने देखा होगा जबरदस्त, और हम बहुत फेमस है ये 1940 से, अच्छी थी इनकी चीज़ें भी, मज़ा आया, काफ़ी वैरायटी थी। तो ये डबल डेकर मुंबई की और यहाँ पे कितनी मूवीज़ बनी है यार, फ्रेम ये मूवीज़ में देखा है। ये भाई हम आ गए, हाँ यही है, कम्फर्ट मार्केट तो नहीं है ना, क्रॉफर्ड है ना, कम्फर्ट लिखा है सामने। ये देखे भाई पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, मुंबई की शान, मुंबई की आन, ये मूवीज में देखते थे इस तरह की टिपिकल बिल्डिंग्स हैं, पता नहीं आपको उसमें फील हो रहा है कि नहीं। मुझे तो लाहौर वाली वाइब आ रही है यहां से, कभी लाहौर में देखा ऐसी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है? हां वैन फ्रॉम यहां हो या क्रॉफर्ड मार्केट में आए हैं तो अभी तक इंडिया में बर्गर किंग नहीं खाया, तो ये देखो कितने सस्ते सस्ते लगे हैं, 80 के दो सस्ते, वाह 50 रुपए का क्रिस्पी चिकन लगा जा तो यार एक एटलीस्ट ट्राई तो करी जा सकते हैं, क्या है नहीं कह सकता हूं कि इंडिया का बर्गर किंग खा लिया मैंने, बर्गर किंग वाकई 50 रुपए खा दे, ऑर्डर कर दिया है यार, अंदर इंटीरियर तो बड़ा अच्छा बना हुआ है और उसकी ऑफर आई हुई है चिकन क्रिस्पी चिकन तो ऑर्डर कर दिया अभी 24 नंबर मिलेगा, मिला है सॉरी, और एक बर्गर एक रैप ऑर्डर किया है तो देखते हैं कैसा है। रैप एक नई चीज़ लग रही थी और यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है कि सर्व करके जाते हैं, तो ये वो चीज़ है जो आपको फील होता है, बाहर मैंने देखा है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में न्यूजीलैंड में आपको सर्व करने स्टाफ की पहले जो कमी होती है बहुत। खैर देखते हैं रैप कैसा है, बर्गर कैसा है, रिव्यू देते हैं, इंतजार कीजिए, मीनवाइज सब्सक्राइब कर देते हैं। लो भाई ये आ गया है ज़बरदस्त यार, ये थोड़ा छोटा सा लग रहा था, बड़ा है चिकन रैप, फायरी चिकन रैप, चेक कर ज़बरदस्त, खाते हैं फिर आपको बताते हैं। अब ये मिर्चों वाला ही फायरी लग रहा है क्योंकि मिर्चें बनी हुई हैं ऊपर। ओ भाई क्या सीन है, एक बंदा इनके साथ भी होता है यार, ये लुक बड़ी जबरदस्त है, ये वाह ये चेक करो, लुक में तो पूरे नंबर है और अंदर से पहले फिर बताते हैं अंदर पूरा ये नजर आ रहा है, तो खाते हैं जरा। मजेदार, अभी तक तो मिर्चें फिर तो अब लेकिन एकदम ऊपर थोड़ा सा ड्राई था, अंदर थोड़े सॉस वगैरह हैं और प्याज वगैरह सॉस वगैरह नज़र आ रही है, तो अंदर से खाते हैं, अब जो बाइट आएगी वो पूरे फ्लेवर देगी।
वो खाते हैं, फिर बताते हैं। वाह भाई, डेफिनेटली जिनको थोड़ा सा मिर्चें पसंद है बर्गर किंग का फ्राइज चिकन रैप खा सकते हैं। अंदर से देखते हैं क्या है इसके, यार ये बड़ी सील की हुई है कोटिंग इन्होंने, देखो ताकि आपको पूरा उसका पोस्टमार्टम हो जाए। अच्छा मस्टर्ड सॉस, वाह चिकन, फ्रेश अनियन, लेटस और डिफरेंट बारबेक्यू टाइप सॉस भी है, टू गुड यार। तो जिनको थोड़ी सी मिर्ची और स्पाइसी पसंद है डेफिनेटली हाईली रिकमेंड। तो भाई क्रिस्पी वेज आ गया और इंडिया में, इंडिया से बेहतर वेज को कौन जानता है। खाते हैं जल्दी जल्दी इसका भी रिव्यू करते हैं। ओ तो बन की क्वालिटी नो डाउट, पता देख के पता लग जाता है यार ये बन की क्वालिटी है। अंदर पोस्टमार्टम करते हैं थोड़ा, मस्टर्ड सॉस और ये मैकडोनल्ड में जिस तरह एक वेज पैटी था उसी तरह का लग रहा है, खा के देखते हैं मैकडोनल्ड वर्सेस बर्गर किंग। फ्लेवर्स बहुत कम आ रहे हैं, बहुत लाइट से आ रहे हैं। बहुत से लोगों को ये ज़्यादा पसंद होगा, लेकिन मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो मैकडॉनल्ड वाले को थोड़ा सा ऊपर नंबर। हाँ खाना तो ना खाया ना, खाना से ही ले आए तो यार अच्छा था, एटलीस्ट जाते जाते बर्गर किंग भी टेस्ट कर लिया। अभी हम क्रॉफर्ड मार्केट जा रहे हैं तो साथ चले हमारे और देखते हैं। काफ़ी लोगों ने कहा मार्केट का विजिट जरूर करना चाहिए, मुंबई आए हैं फोर्ट और फाउंटेन के एरिया में, क्रॉफर्ड मार्केट नहीं गए तो कहते आए क्यों हैं यहाँ पे। सही बात है, चलते हैं। लावे पहुंच गए क्रॉफर्ड मार्केट, जो भी मुंबई रहते हैं वो जानते हैं, बड़ी आइकॉनिक सी बिल्डिंग है पीछे। तो यहाँ पे किस तरह जाना है पता नहीं, लोगों से पूछ पूछ के इधर उधर जाएंगे। आम भी आ गए हैं, बेच रहे हो कितने का है? दो डजन 1200। दो डजन 1200 का, 600 रुपए किलो, 600 रुपए दर्जन। ओ हाँ हाँ वो किलो कभी, हाँ ठीक ठीक ठीक। ये वो है, हरे हैं अभी पकेंगे हैं? ये पका नीचे का है। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। दर्जन के ना 600 रुपए, वाह। ये क्या सेल कर रहे हो भाई? बेच रहे हो, कितने का है ये? 600। जंबी, ये मुंबई की है स्पेशल, और तो कहीं नहीं देखने का। ये लोग कम बजा। अच्छा ये छोटा वाला है, बच्चे लोग बजा देंगे। कहाँ बटन? अच्छा ये कितने का? कितने का मिल जाएगा? 100 का हो जाएगा है क्या? 100 रुपीज आएगा सर लास्ट में। नहीं बाप यूं यूं कर रहे हैं, वो तिरछा चढ़ता है यूं, पता नहीं लग रहा है यूं कर रहे हैं या यूं कर रहे हैं। ये लो। आप कहाँ के हैं? मैं तो यूपी का हूँ। आप भी यूपी के हैं ना? सेम गांव। मुंबई वाले कहाँ हैं? मुंबई में भी मैं रहता हूँ 7-8 साल हो गए। नहीं नहीं असल मुंबई वाले कहाँ हैं? नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे ना, खाली यूपी या बिहार। भाई मैं 99% लोगों से मिला हूँ यूपी के, आप सब समझेंगे मजाक कर रहा हूँ। मुंबई में बोले तो 90% बाहर के आदमी है, 10% मुंबई के लोग। चलो ठीक है, ये दे दो। ठीक है अच्छा लगा आपसे मिलकर, हो गए पैसे भाई। ये देखे क्रॉफर्ड यहाँ पे बड़ी सुना है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में चीजें, पुराने पुराने आपको अपार्टमेंट नजर आ रहे होंगे। और ये देखें बॉलीवुड, बॉलीवुड भी देख रहे हैं मुंबई में, बहुत पुराना एरिया। ये दिल्ली वैली यही बनी थी, किसी तरह की बिल्डिंग्स थी। दिल्ली वैली नहीं सर, दिल्ली धोबी घाट। तो घूम रहे हैं भैया क्रॉफर्ड मार्केट,
मौसम ठीक है यार, शायद ये समंदर के बिल्कुल पास है इस वजह से काफी फ्रूट्स वाले, आई थिंक हर चीज ही है यहाँ पे, कपड़े भी हैं, बच्चों के खिलौने भी हैं, रेजिडेंशियल भी है, मस्जिद भी है, ये देखो कॉस्मेटिक्स भी है, साथ ही मस्जिद भी बनी हुई है। वाह बहुत अच्छा जबरदस्त। अच्छा और बाकी पार्किंग का बड़ा अच्छा सिस्टम है, ट्रैफिक नहीं ब्लॉक हो रही कहीं पे भी, जबरदस्त। आगे और पुरानी मार्केट नजर आ रही है, आगे चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन है। ये देखें जी बच्चों की बुक्स, बुक्स से तो बच्चों का नफरत ही बड़ी। आप स्टोर्स पे जाएंगे तो बड़ी महंगी होगी, कितने की है भैया वैसे ही बता दें इशारे से। यार पान फेंकवा दिया उनका, 120 इशारा, आप ऐसे 120 का क्या इशारा करते, पान फेंकवा दिया भैया का यार, सॉरी भाई। अच्छा भाई ड्राई फ्रूट्स भी हैं, अंजीर, खजूरें, जबरदस्त। यार बेसिकली यहाँ पे हर चीज़ है यार, हर चीज़ है, नेम है नहीं थे आपको मिलेगी, सही मुंबई का कल्चर देख रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है ना, ये मुझे नहीं पता शायद कहीं और भी हो, लेकिन ये आपको फील आता है देख के यार मुंबई की। जी तो गाइस ये थी आज की गेम, मुझे तो बड़ी पसंद आई है भाई, क्योंकि जो है ना आज की वीडियो में इन्होंने चेस कराई है, हमने बर्गर देखे हैं बर्गर किंग का, यहाँ पे भी बर्गर मिलते हैं लेकिन इतने सस्ते कभी नहीं देखे, 50 रुपए का बर्गर हमें मिलता है यहाँ पे कभी नहीं मिलता, मेरे को तो वैसे भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यार यहाँ पे एक अच्छा बर्गर जो है वो 500 रुपए 600 रुपए का मिलता है। तो आप लोग फिर से बोलेंगे आप बहुत ज्यादा अमीर है, आप सब लेके खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते इतना महंगा, लेकिन यार क्या मुंबई की वाइब है, अलग ही वाइब आती है वाकई में, क्या मुंबई में बहुत ज्यादा मतलब बाहर के लोग रहते हैं, मुंबई के अपने लोग कम है, और वहां पे हमें काम के सिलसिले में ना बहुत ज्यादा लोग ना मुंबई में जाके ना वहां पे रहते हैं, और वहां पे ज्यादातर हाँ मतलब मुंबई में ना यूपी से हाँ काम, जैसे हमारा कराची शहर में लोग जाते हैं ना यहाँ से फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, इसी तरह से मुंबई जो शहर है ना वहां पे बोलते हैं कि कोई भी बंदा जो है ना जॉबलेस है उसको जॉब जरूर मिल जाती है, चाहे वो कैसा भी हो उसको जॉब जरूर, और मुंबई में बहुत ज्यादा महंगा है, मतलब महंगा काफी ज्यादा है, लेकिन वहाँ का फूड वहाँ का मतलब एक ड्रीम है लोगों का ना वहाँ पे रहना, वहाँ को एक्सप्लोर करना, कैसा लगा मी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, मुंबई पसंद आया, बहुत अच्छा, कैसा लगा? हम तो खाब बॉम्बे साथ है, खाब में भी नहीं देखा, तो रियल में कैसे देखेंगे, रियल में देखेंगे ना, नहीं देखेंगे, बहुत मुश्किल है, नहीं नहीं उम्मीद नहीं कभी भी छोड़नी चाहिए, हम जरूर मुंबई देखेंगे, दिल करता है हमें, नहीं आप बताएं दिल करता है, दिल तो करता है, दिल दे के निकाल है, दिल तो आकर्षित कर रहा है, हाँ लेकिन दिल करता है तो फिर वो ड्रीम ना है, जब आप उसको चाहो ना बहुत शिद्दत से तो वो जरूर पूरा हो जाता है, तो हमारी शिद्दत इतनी ज्यादा है कि एक दिन हम हमने आपको सरप्राइज दे देना कि भाई हम इंडिया आ गए, तो वो दिन कभी आएगा ही ना, मजा तो है ना, हाँ मजा आ जाएगा यार, आपको वीडियो कैसे लगी बताना, मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, थैंक यू।